जिले के थाना क्षेत्र चंद्रपुर की घटना है, जहां प्रार्थी सदाशिव पांडे पिता मुकुटधर पांडे बस स्टैंड चंद्रपुर निवासी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28 जून की सुबह 9:30 बजे 20,000 रुपये निकलने का मैसेज आया। SBI बैंक में जाकर बैंक स्टेटमेंट निकाला तो 40,000 अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाला जा चुका था, जिसकी रिपोर्ट चंद्रपुर थाने में 28 जून को पहुंचकर दर्ज कराया कि 27 जून को रुपए निकालने के लिए SBI ATM चंद्रपुर में गया था, जहां ATM गार्ड से पैसे निकालने के लिए सहयोग लिया और 2 बार 20,000 कर 40,000 रुपये वह ATM कार्ड को दिया। लेकर घर आया तो उसी दौरान SBI ATM चंद्रपुर के गार्ड सुरेश चौहान ने ATM को बदल कर रख लिया और अपने पास रखे दूसरे ATM को दे दिया। आरोपी ने लालच के फेर में ठगी कर लिया। सुरेश चौहान द्वारा ATM कार्ड को लेकर दूसरे ATM कार्ड से 40,000 रकम निकाला गया, जिस पर पुलिस द्वारा ठगी के धारा 420 एवं 379 चोरी के धारा व 66 CIT एक्ट के तहत मामला कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस द्वारा कई जगहों की CCTV फुटेज खंगालने के बाद सुरेश चौहान CCTV फुटेज में देखा गया। जब पुलिस द्वारा सुरेश चौहान को पूछताछ किया गया तो उसने ATM से पैसे निकालने की बात कबूल की। वहीं चंद्रपुर पुलिस ने 7 जुलाई को गिरफ्तार कर 8 जुलाई को आरोपी सुरेश चौहान को न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। DNX TV के लिए जांजगीर चांपा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। ATM शनिवार को ATM पहले वाले एक नंबर की बिजली हुई थी, 2 नंबर का चल नहीं रहा था, तो गार्ड आया और गार्ड के मेरे साथ मिलकर हरण किए 40,000 रुपया और कार्ड एक दिया। उस कार्ड को लेकर मैं आ गया। उसके बाद दूसरे दिन दुकान में जब मेरा लड़का एक कार्ड पाया तो मेरे पूछा को मोबाइल में देखा तो 40,000 का एक और मैसेज था दूसरे दिन। उसके बाद में मैं उसके पास गया तो वो बोला कि कोई कर लिया होगा महाराज आपस में और कार्ड। मैं बोला कार्ड तो तू मेरे को तू दिया है, तो बोला कि शायद पीछे वाला कोई कार्ड को दे दिया होगा अदली बदली। कार्ड का हो गया है और 16 नंबर डबरा ATM से निकला और CCTV फुटेज में मिल जाएगा सब, ये तो बताया था। उसके बाद में पुलिस जांच तेज की तो उसी का नाम गार्ड ही का हाथ निकला उसमें। 27 जून की शाम लगभग 6 बजे मेरे चाचा ATM गए थे पैसा निकालने के लिए। किसी कारण से ATM से पैसा नहीं निकल रहा था। 3-4 बार कोशिश करने के बाद भी चाचा गार्ड को बताया कि पैसा नहीं निकल रहा ATM से। कैसे गार्ड बोला इस ATM से नहीं निकलेगा, बगल के ATM से निकाल लीजिए। और ऐसा करके गार्ड ATM से उनका पैसा निकलवाया 20,000 करके 2 बार 40,000 रुपया। चाचा अपना ATM पकड़ के और पैसा लेके वापस आ गए घर। ATM और पैसा रख दिए घर पे। दूसरे दिन चाचा को उनके दुकान पे जूते की दुकान पे एक ATM मिला, उनके लड़के को ATM मिला। लड़का बोला कि ये पापा आपका ATM गिरा हुआ था। चाचा को आश्चर्य हुआ कि मेरा ATM मैं कल ला के रख दिया हूँ घर पे, मेरा ATM कैसे गिरा था। चाचा जब अपना ATM खोल के देखे तो उसमें चाचा का ATM नहीं था, किसी श्री साहू के नाम का ATM था। उसके बाद चाचा अपना मोबाइल का मैसेज चेक किए। मैसेज चेक करने से उनको 28 तारीख को दोबारा 20,000 करके 2 बार 40,000 रुपया निकला हुआ दिखा। 40,000 रुपये निकलने का मैसेज। हाँ सर, क्या है पूरा मामला? थाना चंद्रपुर में प्रार्थी द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई कि चंद्रपुर ATM में इनका ATM संचालन के दौरान कार्ड धोखे से बदल कर इनका गोपनीय पिन जानकर अगले दिन इनके खाते से कुल 40,000 रुपये रकम निकाल ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के बाद आरोपी की पतासाजी हेतु मुखबिर लगाए गए तथा जैसे ही संदेही का पता चला उसके बाद उसकी विधिवत अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में पर्याप्त सबूत पाए जाने से आरोपी से कुल रकम बरामद की गई तथा उसे माननीय न्यायालय भेजा गया। सर, इसमें किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? इसमें IPC की धारा 420, 379 तथा IT Act 66C जोड़कर विवेचना में लिया गया है। सर, पूछताछ में क्या यह पता चला कि पूर्व में इसके द्वारा इस तरह की घटना की गई है? पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसके द्वारा कोई अन्य घटना कारित नहीं की गई है, यह इसकी पहली घटना है।